सरस्वती पूजा के ले गया घुमाने के लिए, अमन कुमार अति अपहरण करवा दिए, 5 साल के बच्चे खुशी कुमारी मानी सर लड़का है जुआ हुआ सब खेलता था, पैसा के चलते अपहरण करवा दे। मुख्यमंत्री के रेणु देवी कने गए तो कथी बोले कि सुंदर बच्चा है पोस पल रहा होगा नहीं मिलेगी। हम लोग बाले बच्चे के साथ गंगा जी में कूद जाएंगे, इसका जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री साहब। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। आज महीने की पहली सोमवार है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार चल रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ एक पोस्टर लगा है जिस पर एक आपको छोटी सी मासूम बच्ची दिख रही होगी और इस मासूम बच्ची की पूरा जो परिवार है वो यहाँ बैठा है। इन लोगों की शिकायत है कि इनकी छोटी सी मासूम बच्ची का जो अपहरण है 7 महीने पहले हो गया है और अब तक प्रशासन उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। उनकी माँ है यहाँ पर, रो रही हैं काफ़ी देर से। हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे क्यों रो रही हैं। रो रहे कि कहती कि खुशी कुमारी मेनका देवी हमको नाम है पहले बोलते हैं, तो अमन कुमार है ना सरस्वती पूजा के ले गया घुमाने के लिए, अमन कुमार अति अपहरण करवा दिया आपकी बेटी का। हाँ, 5 साल के बच्ची है खुशी कुमारी है। कितने दिन पहले ये घटना हुई? सरस्वती पूजा 8 महीना हुई है, अब तक नहीं मिली, अभी तक ले कुछ नहीं पता चला। कहाँ कहाँ शिकायत की? शिकायत तो सब तर ब्रह्मपुरा थाना में सब तर। कहाँ का मामला है ये? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा थाना पड़ता है। शिकायत की है प्रशासन के पास, प्रशासन क्या कर रही है एफआईआर? प्रशासन बोलते हैं कि खोजते है, सब मिलती जुलती है, नहीं खोजता है, झूठो कहता है कि खोजते है। आप जिस पर आरोप लगा रही हैं वो कहाँ का व्यक्ति? घरे के बगल का है। पड़ोसी है आपका? हाँ। कुछ दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी था ना, वो लड़का है जुआ हुआ सब खेलता था, पैसा के चलते अपहरण करवा दे रहे। पैसा के लिए लड़की को अपहरण करवाता है? दुश्मनी से ना कोई अपहरण करवा। किसी नेता होता के पास गए हैं आप? मतलब हाँ, सब तो नेता होता के सब तरफ पास गया है, तो बोलता है कि ऐसे वैसे कोई कोई बात बोलता है। के पास नेता के पास गया है कि सब तर बेतिया उतिया सब तर गया है, सब तर जन जन नेता है सब तर गया है घूम। मुख्यमंत्री के पास गया? मुख्यमंत्री के रेणु देवी कने गए तो कथी बोले कि सुंदर बच्चा है पोस पल रहा होगा नहीं मिलेगी, अब रेणु देवी ऐसे बोले। डिप्टी सीएम ये बात बोली? हाँ। यहाँ मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मिलने बेतिया में? बेतिया नहीं, यहाँ पर नहीं मिलने दिए, अंदर में नहीं जाने दिए। आप लोग धरने पर बैठ गए हैं? हाँ। कब तक बैठेंगे धरने पर? धरना पर जब बच्ची के अति न हुआ तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। क्या नाम है बहू तुम्हारा? अंकुश कुमार। खुशी कौन थी? बहन थी। बहन थी, क्या हुआ है? अमन कुमार ने ले गया हुआ। ले गया? पुलिस के पास तुम लोग भी जाते हो? नहीं, हम नहीं जाते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री हम जाते हैं कंप्लेन करने। क्या बोलते हैं पुलिस इसको? इसको नहीं पता है तो पुलिस वाले का खोजता है लेकिन नहीं खोजता। मुख्यमंत्री से मिलने आए हो, मुख्यमंत्री से क्या शिकायत करो? मुख्यमंत्री का मिलने गए थे तो पुलिस नहीं जाने दिया। अलग प्रशासन भी कुछ नहीं करता क्या? प्रशासन भी कुछ नहीं करता है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ इनका पूरा परिवार यहाँ बैठा है और छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि प्रशासन इनकी कुछ नहीं सुनती। सामने आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे जहाँ पोस्टर लगा है, शर्म करो नीतीश कुमार, शर्म करो मोदी सरकार, शर्म करो SSP मुजफ्फरपुर, नन्ही सी मासूम खुशी का तस्वीर लगा उस पोस्टर पे। खुशी के पिताजी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्या घटना हुई। सर, सबसे पहले तो मैं राजन शाह, लक्ष्मी चौक थाना पूरा जिला मुजफ्फरपुर निवासी है। सर, मेरी बच्ची को 16 फरवरी को अपहरण कर लिया गया है लेकिन आज 7 महीना से ऊपर हो चुका है लेकिन मेरी बच्ची आज तक ले नहीं मिल पाई है। लेकिन हम इस केस को बहुत हाईलाइट केस है, गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं भी खोल के देख लीजिए, खुशी का मामला एकदम फर्स्ट में आएगा सर। लेकिन केस को लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ, हम सभी जगह फरियाद लगा कर थक चुके, अब यहाँ हम आज अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर किसी पदाधिकारी ने हमको अगर बुला के अगर यहाँ से बिगला रहे हैं तो हम लोग मजबूरन में जाके हम लोग बाले बच्चे के साथ गंगा जी में कूद जाएंगे, इसका जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री साहब, DGP महोदय साहब और मुजफ्फरपुर के बड़े बड़े अधिकारी, इसका किसका जिम्मेवार है। हम चाह रहे हैं केस के पास अभी तक आप गए अपना गुहार लेकर? हम लोग अब पूरे लोकल नेता के पास गए, सांसद के पास गए, माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास भी गए तो बोली बच्ची सुंदर था कोई ले गया होगा, पोस पाल ला होगा, बच्ची नहीं मिलेगी।
छोड़ दो आप, माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जे ऐसा बात रेणु देवी बोले, हम लोग बेतिया सर्किट हाउस में भेंट किए हैं तो ऐसा बात बोले हैं, बताइए इस बात विधानसभा में भी आवाज़ उठा हुआ है लेकिन कहीं से संज्ञान नहीं लिया गया। कौन उठाए विधानसभा में? माननीय बिलेंद्र चौधरी विधायक, मुजफ्फरपुर विधायक माननीय बिलेंद्र चौधरी, SIT गठन हुआ है लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ। तमाम मामले हैं जो पूरी तरीके से अखबारों में भी प्रकाशित हैं मगर इनकी बच्ची जो है वो अभी तक नहीं मिली है। लगातार ये लोग गुहार लगा रहे हैं प्रशासन के पास, नेताओं के पास। आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंचे हैं मगर इनको मिलने नहीं दिया गया है, जिसके वजह से ये लोग अनशन पे बैठ गए हैं, धरने पे बैठ गए हैं। अब इनका कहना है कि जब तक इनको बच्ची नहीं ढूंढ कर दिया जाएगा तब तक ये लोग यहीं बैठे रहेंगे। तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।